छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार की कार्रवाई शुरू होते ही ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप का मामला गूंजा। प्रश्नकाल में भाजपा के विधायक राजेश मूणत ने महादेव सट्टा का मामला उठाते हुए संलिप्त अफसरों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि महादेव ऐप के नाम से राज्य में एक गोरख धंधा चला, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग इन्वॉल्व हुए, ये संवेदनशील मुद्दा है। इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग के लिए पूर्व में प्रावधान नहीं था, नए नियम में प्रावधान जोड़े गए हैं। इस प्रकरण में जांच जारी है, पूरे मामले की जांच की जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भरोसा दिलाया कि मछली ही नहीं अगर मगरमच्छ भी होगा तो जरूर पकड़ा जाएगा। उसने वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरे अकाउंट में कैसे लेन देन हो जा रही है, उसके बाद में भी वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक नहीं है, ऐसे हजारों प्रकरण है। क्या किसी बैंक में अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख की लेन देन होती है, सामान्य सब लोग जानते हैं, बैंक वाला पूछता है कि आपके अकाउंट में पैसा लूं के नहीं लूं, ये आपका पैसा है कि नहीं है? अगर वो करोड़ों की लेन देन हुई और आपके संज्ञान में आए हो, पुलिस वाले जाकर के बैंक में पूछते हैं, तो फिर संज्ञान में आने का विषय कहां बसता है माननीय अध्यक्ष महोदय? जब शासन के संज्ञान में आ गया, पुलिस विभाग के संज्ञान में आ गया, आपने FIR दर्ज कर दी और बैंक में जाकर के आप पूछताछ कर रहे हैं, वो बैंक वाले को, बैंक वाला धमका रहा उसको वही पुलिस वालों के सामने। अब प्रश्न में आ जाइए, अब मूल प्रश्न पे आई गए अध्यक्ष महोदय, यही तो मेरा पूछना है। आप कह रहे हैं कि अगर संज्ञान में नहीं है तो पुलिस वाला कैसे उसके साथ में बैंक में गया? फिर आगे प्रश्न और है छोटे छोटे। जो प्रावधान उपलब्ध थे सार्वजनिक द्वित अधिनियम 1867 के, उसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग के लिए, बेटिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था। कालांतर में कुछ प्रावधान बनाए गए और उसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा है, 10 लाख तक का जुर्माना है। उन प्रावधानों के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है। मैंने बताया कि 54 चालान पुटअप हो गए, किसी के बयान के आधार पर किसी को फांसी नहीं चढ़ाई जा सकती, परंतु इस आधार पर जांच की जो प्रक्रिया है वो जरूर जारी है। मैं फिर से आपसे ये कहना चाहता हूँ माननीय सदस्य महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पूरी ताकत के साथ इस पूरे विषय का जांच किया जाएगा। कोई दल, कोई और समाज, किसी की भी परवाह किए बिना जो जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। चलिए, बहुत निर्धारित जैसे ही होता है ये विषय प्रामाणिकता के साथ कोई बात सामने आती है, मैं फिर से कहता हूं माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, 1 घंटे के अंदर कार्यवाही होगी। चलिए, कोई और छोटा प्रश्न? ये बहुत प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है। नहीं, आप महत्वपूर्ण प्रश्न में 12 मिनट अकेले करता हूँ इस प्रदेश की जनता की। छोटा प्रश्न और कर ले, ये ना छोटा, आपने जो उत्तर दिया सरकार सामान्य प्रश्न पूछा, आपने कहा पहले संज्ञान में नहीं आया, जब संज्ञान में नहीं आया तो बयान कैसे हुआ? सीधा सीधा प्रश्न, जब सरकार के संज्ञान में नहीं है तो फिर पुलिस अधिकारी जाकर कोर्ट में बैंक को बयान कैसे हो रही है, क्यों चीज? दूसरा, कितने करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन उनके माध्यम से बैंकों से हुआ, जरा यह स्पष्ट कर दे, फिर आगे प्रश्न में पूछूंगा अध्यक्ष जी। बस धन्यवाद लीजिए। एक जो विषय अभी सामने है, जिसकी जानकारी हाथ में है, मैं आपको जरूर उपलब्ध कराता हूं कि 507 अकाउंट जो रायपुर के फ्रीज होने वाले थे, इनमें से 221 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन यहां तक हम पहुंचे हैं, पता लगा है। थर्ड पार्टी को भी इसमें एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक एक अकाउंट को खंगाल कर ये जान पाए कि ये राशि इन खातों के माध्यम से कहाँ जाती थी और उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन उसका कहाँ होता था, ये राशि कैसे दुबई तक पहुँच जाती थी, इस पूरी की जांच करवाई जा रही है। मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि संज्ञान का अर्थ यही है, जो बात बयान में आई है वो बयान कोर्ट के सामने रखी गई है, अभी कोर्ट को भी फैसला करना होगा, कोर्ट का कोई फैसला आ जाए उस पर बात कर लेंगे। मैं आपसे और एक बात बताना चाहता हूं कि विभाग ने तो आगे बढ़ करके लोगों की फरारी होने का आवेदन कोर्ट में दिया हुआ है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उनके संपत्ति के चिन्हांकन की बात प्रारंभ हुई है, उनके संपत्ति को चिन्हांकित करके कुर्क करने की बात हम सामने लेकर आ रहे हैं। मैं आपको यह भी बता रहा हूं
कि बड़ा चर्चित था पूरे छत्तीसगढ़ में कि नागपुर से एक चार्टर्ड प्लेन दुबई तक गया है, उन सारे बारातियों की सूची भी ले रही है हमारा विभाग। और सरकार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी सूची हाथ पे आने के बाद सब पर जांच होगा, सब पर जांच कराई जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप गृह मंत्री की, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री का विभाग है, उनकी किसी भी बात के ऊपर मेरे को तो पूरा 100% विश्वास है। लेकिन जो नुमाइंदे लोग बैठे हैं, जो पूरे काकस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर है। क्या एक एसआई ने बयान दिया ईडी को, चंद्रभूषण वर्मा, उसने किन किन के नामों का उल्लेख किया और उन पर क्या कार्रवाई करेंगे? चलिए, इस बेसिक प्रश्न। ठीक जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो बयान जिसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लिया है और जो कोर्ट में, रायपुर के कोर्ट में जमा है, उस बयान का कोई अधिकृत, इसकी कोई अधिकृत जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा शासन को नहीं दिया गया है। ये जानकारी आने के बाद, अधिकृत जानकारी आने के बाद प्रमाणिकता उसमें है तो तुरंत कार्यवाही की जाएगी, मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ आपसे। फिर मैं आपके संज्ञान में लाता हूँ, विभाग फिर आपको गुमराह कर रहा है। 3 जनवरी को शासन को पत्र आ चुका, 30 तारीख को फिर रिमाइंडर आ चुका। 3 जनवरी अगर तारीख नहीं है तो तारीख बता देता हूं, ईडी के द्वारा शासन को भेजा गया, जब कोई संज्ञान में नहीं लिया, उत्तर नहीं दिया, तो 30 तारीख को फिर वापस रिमाइंड आया। अगर उसका बयान पूरे सुर्खियों में समाचार पत्र से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर के आम जनता के बीच में चल रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, एक छोटा सा उदाहरण विभाग की गंभीरता। कल मेरा एक प्रश्न था और प्रश्न लग नहीं पाया, पीडब्ल्यूडी के खिलाफ में एक प्रश्न, मेरी एक शिकायत की किसी ने, फर्जी शिकायत, और उस समय भी मैंने जनता से कहा कि इसकी जांच कोई रिटायर्ड जज से करा लो। तत्काल मुख्यमंत्री ने लिखा, तत्कालीन समाज के उस समय के मुख्यमंत्री, एफआईआर दर्ज की जाए और ईओडब्ल्यू को केस गया, जिसके कोई तथ्य नहीं है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है। एक आदमी ने आवेदन दिया और ईओडब्ल्यू इतना सक्रिय हो गया और तत्काल उसकी विवेचना डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। चलिए मूल विषय में आइए, तो मूल विषय यही अध्यक्ष महोदय कि अगर 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आने के बाद में भी किन अधिकारियों को बचाने का काम हो रहा है, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, इसकी जो उस समय के तार थे उसके अंदर नाम है, किसी को 30 लाख रुपया महीना, किसी को 50 लाख रुपया महीना, किसी को 1 करोड़ रुपया महीना, यह मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे समाचार पत्र से और सुर्खियों में छपा है। तो क्या सरकार स्वयं विवेचना के रूप में, क्या संज्ञान में लेकर के क्या इसकी जांच नहीं कर सकती? आज तक ये डॉक्टरों ने इसके ऊपर जांच क्यों नहीं की? क्या ये सरकार इस केस को सीबीआई को देगी? क्योंकि इसके दार उद्देश्य तक जुड़े हुए अध्यक्ष महोदय, और ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, यह मेरा आग्रह। ठीक, धन्यवाद। हमारे प्रशासन विभाग से इस विषय पर पूरी जानकारी ली गई थी, अंतिम जो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है वो 5 फरवरी की है कि इस विषय पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कोई अधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई। चलिए सेन जी, ठीक, सत्रह में 18 मिनट हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्रदेश का सबसे बड़ा स्कैंडल केस का मामला है, अन्य विषय और आएंगे, विषय बहुत महत्वपूर्ण, सब पर आप लीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं आपके पास एक गलत जानकारी है, मैं आप कहेंगे तो मैं सदन के पटल पे रख दूंगा। चलिए रख दीजिए, कि जिस तारीख को ये गया है, 3 तारीख को कोर्ट के अंदर जिस वकील ने इस बात को वहां पर मैसेज किया वो भी जानकारी है, आप मंत्री जी को दे देंगे विभाग। मैं तो ये दस्तावेज दे दूं, आप कहें तो अध्यक्ष महोदय, हाँ। मैं लगातार 2 साल के खिलाफ लड़ता रहा हूं। ठीक, मैं पूरे के पूरे कौन कौन संचालन करता, किस किस की गैंग के रूप में, किसने किसकी से कितने रुपए लिए दिए, कहां कहां किसके साथ विवेचना हुई, किस दिन किस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर होने के बाद में अभी तक एक भी
एफआईआर तो हुई अध्यक्ष महोदय, विवेचना भी हुई, लेकिन एक भी बड़ी मछली पकड़ में नहीं। चलिए कोई जानकारी हो तो उपलब्ध करा देंगे। सेन जी आप एक छोटा प्रश्न कर लीजिए, आप उपलब्ध करा। अध्यक्ष महोदय मेरा एक निवेदन है, इसकी जांच की घोषणा करें। चलिए कुछ कुछ घोषणा करना है तो बताइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कोई मछली भी नहीं मगर मच्छ भी हो हाँ। तो भी पकड़े जाएंगे आप। बस बस बहुत बढ़िया। चलिए आपसे ये कहना हो, ठीक ठीक, अब तक की जो स्थिति है वो यही है। आपके पास कोई अतिरिक्त जानकारी है तो अवश्य उपलब्ध कराएं। और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जांच में वो अंतिम स्थिति में है, और इस स्थिति में फिर एक नई एजेंसी जांच कराना, नहीं नहीं प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, एक बार हम देख लेते हैं क्या स्थिति है। ऐसा नहीं है, मेरा आग्रह फिर इस पर है। अध्यक्ष महोदय आप कह रहे जांच की आवश्यकता, वही तो अधिकारी वहां बैठे हैं जिनके ऊपर आरोप है, जांच करेगा कौन? सही अभय कोतवाल को डर किसका, जिनके खिलाफ में आरोप, पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का ठेका लेकर के बैठे, वही वहां जाकर पीएस क्यों बैठे? ठीक राजेश जी, बहुत बढ़िया। मेरा आग्रह सर जांच होना चाहिए, आप जो भी जांच करें, विधायक दल से करें, जिससे भी करें, इस प्रदेश में नजीर बनना चाहिए कि गिरोह बनकर के जनता को लूटने का जो काम करते हैं उनको सजा मिलना चाहिए, यही मेरा आग्रह। धन्यवाद। सेन कुछ प्रश्न पूछ रहे माननीय अध्यक्ष महोदय।